चलन, लास्ट क्लास आई टोल्ड एवरीबडी कि आपको दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस चैप्टर से. द फर्स्ट टाइप वेयर ओनली यू नीड टू रिप्रेजेंट बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, नथिंग एल्स. एंड सेकेंड टाइप आइटम्स वुड बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन एंड योर ड्यूटी वुड बी टू कैटेगराइज देम दैट दे विल बी अपियरिंग अंडर विच हेडिंग एंड सब हेडिंग. इज दैट क्लियर? और मैंने आपको कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी बता दी थी. बैलेंस शीट में चिल्ड्रन टोटल फाइव हेडिंग्स आर देयर. आई रिपीट, टोटल फाइव हेडिंग्स. लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं. इट्स शेयर होल्डर फंड्स, फॉलोड बाय नॉन करंट लाइबिलिटी, फॉलोड बाय करंट लाइबिलिटी. एसेट में नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट. तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जादू वाला हाथ. ये तीन जो है ये लाइबिलिटी हो गया. इट्स शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी. एंड हियर इट इज नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट. समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Underneath that, जो भी आपने पढ़ा, that was subheading basically. Many a times questions सिर्फ heading पूछेगा, many a times questions सिर्फ subheading पूछेगा, many a times दोनों पूछे जाएंगे. In my opinion, question क्या पूछेगा? That's a story long ago जो आपको नजर आएगी. आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपको पूरी प्लेट और पूरा नाश्ता सजा के लाना है. You have to answer the heading also as well as the subheading. तो ध्यान से सुनिएगा. सब लोग अपना अपना हाथ ऐसे कर लें, जो मेरे को देख पा रहे हैं, मैं जिनको देख पा रहा हूँ वो भी, जो मेरे को नहीं देख पा रहे और मैं उनको नहीं देख पा रहा वो भी. जादू वाला हाथ. This is non-current asset. This is current asset. Then we have shareholder funds. Then we have non-current liability and current liability. याद रहेगा? इसके अंदर सर कौन कौन से आइटम्स हैं? In liability side, sorry, on the liability side, शेयरहोल्डर फंड्स में तीन चीजें आपसे एट मोस्ट टेस्ट की जाएंगी. शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. नो. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. गॉट इट क्लियर? तो ज्यादातर आपसे दो ही चीजें बस पूछी जाएंगी शेयरहोल्डर फंड्स में, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. Either it is preference share capital or equity share capital, both will come under share capital. जितने तरीके के भी reserves और profits हैं children, that will go under reserves and surplus. सुनाई पड़ गई बात? Non-current liability में होते तो चार item थे, syllabus में दो है, पूछा generally एक जाता है. Long-term borrowings, long-term provisions. पूछा long-term borrowings ही जाता है. Current liabilities में आपके पास छह items हैं, but testing most चार की होती है. पहला short-term borrowings. Thereafter we have trade payables. Trade payables के बाद क्या था? Other current liability and short term provisions. Then non current asset में fixed tangible आ गया, जिन assets को आप देख सकते हैं. Fixed intangible. बस यही दो test होंगे यहाँ पे. Capital work in progress and intangible assets under development testing में नहीं पूछा जाएगा. Then we have non current investments. आपने fixed deposit वगैरह कोई कराया long time के लिए. Then children, current assets में छह आइटम्स और छह ही टेस्ट होते हैं बेसिकली. द फर्स्ट इज करंट इन्वेस्टमेंट्स, फॉलोड बाय इन्वेंट्री, फॉलोड बाय टर, मम्मी एंड मौसी, स्टेला आंटी, ओका, अदर करंट असेट्स. अदर करंट असेट्स में आप प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम तो लिखते लिखते हैं. फिक्टिशियस असेट्स अगर कोई हो, पता है ना फिक्टिशियस असेट क्या होती है? वो जो असेट पे नजर तो आ रही है बट इसकी एनआरवी, मेरा शब्द नहीं है, आईसीआर, 0% है, 0 एनआरवी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 0 है, कुछ पैसा नहीं मिलने वाला. तो घर में रखा हुआ कबाड़ भी एक तरह का फिक्टिशियस एसेट ही होता है. और पड़ोस वाली आंटी का लड़का जो किसी लायक का नहीं, किसी कर्म का नहीं है, आंटी उसको ऐसे बोलती होंगी, आप बोलिएगा आंटी उसको आज से फिक्टिशियस एसेट बोलिएगा. समझ में आया कि नहीं? तो सो कॉल्ड इसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जाता है, बट ये पुराना फैशन है. लेटेस्ट फैशन, आप अपनी फिक्टिशियस एसेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मैंने बताया था कल, अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, जितना अभी राइट ऑफ करना बाकी है, यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस. समझ में आया कि नहीं? तो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, एक छोटा सा नोट लिख लीजिए यहीं पे शीट में, राइट डाउन आइटम्स लाइक preliminary expenses, share issue expenses, underwriting commission,
instead of putting them under other current assets, these can alternatively be deducted from reserves and surplus. Written, children? Deducted from reserves and surplus. Heard well? So, children, आपको ये question नजर आ रहा होगा. Under which headings and subheadings the following items shall appear in the balance sheet of a joint stock company? So, first and foremost, put the serial number A, B, C, D, and E. Classify the items, children. Sundry debtors, followed by, puri spelling likhiyega, securities premium reserve, followed by debentures, followed by PL credit balance and bank balance. Our question ko solve karne ke liye sabse important technique hai. We should be knowing these are assets or liabilities first. Fir jadoo karenge. So debtors, children, asset or liability? Premium? Premium. Premium asset? Liability. Debentures? Liability. Liability. Also liability. PL credit balance, children? Also liability. And bank balance? Asset. Asset. हो गया कि जब कोई भी चीज असेट है भाई तो वो या तो नॉन करंट होगी या तो करंट होगी, तीसरा कोई चॉइस नहीं है. एंड इफ एनीथिंग इज अ लायबिलिटी, या तो वो शेयर होल्डर फंड्स होगा, या तो नॉन करंट लायबिलिटी होगा, या तो करंट लायबिलिटी. चलिए, डेटर्स असेट है चिल्ड्रन. लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म. सर डेटर बोल के गया मैं पैसा तो नहीं दूंगा, जो करते बनता है कर लो, तो सर अब उसको पनिशमेंट मिलेगा. तो डेटर्स शॉर्ट टर्म है चिल्ड्रन. करंट असेट की नॉन करंट असेट? करंट असेट. फिल्टर कर रहे हैं बस आप. करंट असेट है, समझ में गया? अब करंट असेट में छह चीजें आती थी. इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं सकता, नीदर इट इज मम्मी एंड मौसी, ना इसका स्टेला आंटी से कोई रिश्ता है, समझ में गया? इससे पैसे लेने हैं. क्या स्मेल आ रही है? वेरी गुड. वुड बी करंट असेट, सब हेडिंग वुड बी ट्रेड. डोंट राइट का एंटर लाइक आई हैव रिटन. सुनाई पड़ी बात? चिल्ड्रन सुनाई पड़ी बात? यस यस सर. चलें आगे. चलें चलें आगे. यस यस सर. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व असेट और लाइबिलिटी? लाइबिलिटी. थ्री हेड्स, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी. शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड दो चीजें थी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड, तो ये लग रहा है रिजर्व्स एंड सरप्लस का आइटम. यस सर. सब हेडिंग वुड बी रिजर्व्स एंड सरप्लस. सरप्लस शेयरहोल्डर फंड्स. देन वी हैड चिल्ड्रन डिबेंचर्स. एनीथिंग कनेक्टेड विद शेयर कैपिटल, शेयरहोल्डर फंड्स? नो सर. ये तो दूसरी पार्टी है, तो ये एसएफ तो नहीं हो सकता. एंड डिबेंचर्स आर जनरली फॉर लॉन्ग टर्म, तो करंट लायबिलिटी भी नहीं हो सकता. नॉन करंट लायबिलिटी में दो आइटम्स आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन. तो व्हाट वी फील, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेडिंग इज नॉन करंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड सब हेडिंग इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. पीएल क्रेडिट बैलेंस चिल्ड्रन, पीएल क्रेडिट बैलेंस. तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है पीएल में? इट्स प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट, और मैंने बताया था ऑल टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अपीयर्स वेयर रिजर्व्स एंड सरप्लस. सुन रहे क्यों मैंने बनवाया था आपको पूरा? तोते की तरह रट नहीं सकते, जब लिखेंगे करेंगे तो समझ में आएगा. बिकॉज जब भी मैं पूछूं क्लोजिंग स्टॉक, तुरंत आपको दो बातें ध्यान में आती हैं, ट्रायल बैलेंस के नीचे पड़ा है सर, फिर ट्रेडिंग अकाउंट के उधर चला गया. करेंगे तो सीखेंगे. एंड चिल्ड्रन आपकी हेडिंग होगी शेयर होल्डर फंड्स. बैंक बैलेंस असेट और लायबिलिटी, दो ही हेडिंग्स हैं, नॉन करंट असेट एंड
करंट असेट, तो किस में जा सकता है चलन यील्ड? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. वेरी गुड. मम्मी एंड मौसी इसकी सब एडिंग है. बी क्विक. चलन की फर्दर चलन चलन शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलो. यस सर. वी हैव दिस क्वेश्चन चलन. यस. अगर आप चाहें तो आप यहीं पे लिख सकते हैं, एल्स मैंने आपको वर्कबुक में काफी एम्पल ऑफ स्पेस दिया हुआ है. सो आइटम्स आर ऑलरेडी लिस्टेड हियर. एक कॉलम बना लेते हैं हेडिंग का और एक कॉलम बना लेते हैं सब हेडिंग का. अमाउंट की हमको कोई जरूरत नहीं है. खैर चलिए. रेडी एवरीबडी? चलिए. जो पहला वाला कॉलम होगा दिस वन, जहां पे मैंने डॉट लगाया रेड, हेयर वील राइट द हेडिंग्स एंड ब्लू डॉट जहां पे वहां पे लिखेंगे सब हेडिंग्स. ओके चलिए. तो पीपल कैन ड्रॉ द लाइन हेयर, यहीं पे बना लीजिए चाहे तो, आपको लिखने वाला काम बच जाएगा थोड़ा सा. चलिए लेट्स स्टार्ट. चलो चलो डिबेंचर्स अंडरनीथ विच हेडिंग वी कैन पुट इट. हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटी. लाइबिलिटी वेरी गुड. सब हेडिंग क्या हो सकती है बच्चों? लॉन्ग टर्म बोरोइंग. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. शेयर कैपिटल तो अब तक सबको पता लग गया होगा. अब तक सबको पता लग गया होगा शेयर होल्डर फंड्स. चलिए एंड सब हेडिंग तो इटसेल्फ शेयर कैपिटल ही है. प्रीमियम रिजर्व चिल्ड्रन शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर funds is the heading and reserves and surplus. तो आपका जवाब डिपेंड करेगा कितना कीन थे आप इसको बनाते टाइम. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है इसका, तो आप ऑल्टरनेटिव ही फॉलो करेंगे जो अब चलता है. हेडिंग वुड बी चिल्ड्रन शेयरहोल्डर फंड्स एंड फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस वी हैपन टू डिडक्ट इट. PL चिल्ड्रन क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है, वुड बी गोइंग वेयर? शेयर होल्डर फंड. वेरी गुड. एंड सब हेडिंग वुड बी व्हाट चिल्ड्रन? रिजर्व्स एंड सरप्लस. वेरी गुड. बस चार बार नोट्स रीड कर लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. लूज टूल्स चिल्ड्रन अदर करंट असेट्स. ना 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 ना. हां अदर करंट असेट्स में तो प्रीपेड और अक्रूड जाता है. लूज टूल्स मतलब स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स पेचकस प्लास कील हथौड़ी ये सब करंट असेट्स में आएगा. किस में आएगा ये बताइए. इन्वेंट्री. रीडिंग करनी पड़ेगी आपको. देन चिल्ड्रन बैंक बैलेंस करंट असेट्स. मम्मी एंड मौसी सेम विद कैश इन हैंड. 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है. अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 आइटम्स यू गेट टू राइट. Got it? But balance sheet बनाने से आपको advantage जो मिलेगा वो मिलेगा when you'll be doing the chapter called accounting ratios and cash flow statement. Because वहां पे question में balance sheet वैसी ही बन के आएगी जैसे आपने बनाई थी, तो आपको पता लगेगा कि चीजें यहाँ पे आई कहाँ से हैं. तो जब तक ये नहीं पता कि गंगा जी का source क्या है, गोमुख ग्लेशियर है कि exactly चाइना से आ रही है गंगा जी भी. चलिए done all? Yes sir. Yes sir. Moving ahead, question number 2 children. Preliminary expenses, patent, debentures, loose tools. Mila sabko? Chalo, let's start. So children, sabse pehle aap heading likhenge, followed by subheading. Complete it. Time allotted is just 3 to 4 minutes children. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 transactions, just 3 minutes. Be quick. चिल्ड्रन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस शेयरहोल्डर फंड्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में डिडक्टेड. थोड़ा आपको लिटरेचर लिखना पड़ेगा. पेटेंट चिल्ड्रन नॉन करंट असेट में फिक्स्ड इंटेंजिबल. पिता जूते में बांधने वाला नहीं, फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट. डिबेंचर्स चिल्ड्रन एनसीएल लॉन्ग टर्म बोरोइंग. दिस इज चिल्ड्रन इन्वेंट.
क्लोजिंग स्टॉक चिल्ड्रन मैं लिख रहा हूं एज अबव, खबरदार आपने ऐसा कुछ लिखा। मोटर व्हीकल नॉन करंट असेट, गाड़ी का साइलेंसर ही फट जाता ना कभी वो। कैश एट बैंक चिल्ड्रन करंट असेट्स एंड मम्मी एंड मौसी। प्रोविजन फॉर टैक्स चिल्ड्रन एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बिल रिसीवेबल चिल्ड्रन एंड सब एडिंग करंट असेट ट्रेड रिसीव। समझ गए सब लोग? चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर थ्री विजिबल टू ऑल। चलिए कनेक्टिंग अगेन चिल्ड्रन बाय द टाइम सो कॉल्ड कंप्लीट दिस क्वेश्चन क्विकली। री ज्वाइन अगेन चिल्ड्रन।